हेलो मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि भैया जल्दी से टैक्सेशन का प्रिडिक्शन करिए कि पेपर कैसा आने वाला है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर, हाईएस्ट रेटेड फैकल्टी एट आईसीए अहमदाबाद, और अकाउंट्स लॉ एंड कॉस्टिंग तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने प्रिडिक्शन किए थे, वीडियो ऑलरेडी है और वैसा ही पेपर निकला। अभी मैं एनालिसिस करके आपके साथ टेक्स्ट का शेयर करने वाला हूँ कि टेक्स्ट का पेपर कैसा होने वाला है। टेक्स्ट का जो आपका जो पेपर है उसको मैंने तीन हिस्सों में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि एक होगा एमसीक्यू पार्ट, एक आपका डायरेक्ट टेक्स और एक होगा आपका जीएसटी वाला पार्ट। तो ये किस तरीके से पूछा जाएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। आपका जो एमसीक्यू होगा वो मोस्टली सारे एमसीक्यू आपको केस स्टडी बेस्ड दिखने वाले हैं और वो थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं, मतलब इतना इजी नहीं आएगा। एमसीक्यू पार्ट विल बी एवरेज से हार्ड की साइड, वो मैं पहले से आपको बता देता हूं। आप बोल रहे होगे कि भैया कौन से टॉपिक में से एमसीक्यू बनेगा वो भी बता दीजिए, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे बता दिया है कि ये टॉपिक में से एमसीक्यू बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। लिंक आपको कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मोस्टली उन्हीं में से आपको एमसीक्यू दिखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो ये चीज आप देख लेना, चांसेस बहुत ज्यादा है उन टॉपिक्स के एमसीक्यू के लिए इस बार के लिए। अब बात करते हैं कि भैया डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कैसा रहेगा। एमसीक्यू में तो आपने बता दिया कि एवरेज से हार्ड के जाने के चांसेस है। अब मैं बात करूं डिस्क्रिप्टिव में भी आपका जो पेपर है वो कुछ अनएक्सपेक्टेड टॉपिक आपको दिख सकते हैं। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया ये टॉपिक तो हर बार पूछते हैं, शायद वो इस बार देखने ना मिले, ऐसा पेपर बनने के चांसेस है इस बार। जीएसटी में भी ऐसा होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि भाई आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हर तरीके से मतलब कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस करें भाई, आईटी के लिए और क्या बोलते हैं जीएसटी के लिए, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए ये वाले सेक्शंस या ये वाली चैप्टर्स देख के जाना, क्योंकि यही से आपके डिस्क्रिप्टिव वाले मेन क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो वो सब चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और अभी तक हमने जो प्रिडिक्शन किया है वो परफेक्टली जा रहा है। परफेक्टली एनालिसिस के बाद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए थे, पेड थे, काफी सारे स्टूडेंट्स ने परचेस किए थे और बहुत हेल्पफुल हुआ। 70-75 मार्क्स का उन्हीं में से पूछा गया। टेक्स्ट के लिए हालांकि वो क्वेश्चन नहीं बने, तो आई एम रियली सॉरी, मुझे पता है कि यार 100-150 मैसेज में मिनिमम बोल रहा हूँ, इतने लोगों के मैसेज आ गए कि भैया आप प्रोवाइड कर दीजिए, बट क्या करूं बेटा वो एनालिसिस डन नहीं हुआ। ग्रुप टू के लिए है, अगर आपने फॉर्म भी भरा है ना, सिर्फ फॉर्म भी भरा है, तो भैया छोड़ दो बातें इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, उसे पढ़ो और आप एग्जाम को क्लियर करो ग्रुप टू को। तो ग्रुप टू के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बट पहले अभी टेक्स्ट की बारी है। इंपोर्टेंट चैप्टर्स सब चीजें टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, बाकी मैं बैठा हूं भाई, कर लेंगे, मैं अपना पूरा ट्राई कर रहा हूं सब चीजें वहां पे शेयर करने की। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। अगर अच्छा लगा है तो कोई भी बंदा आपसे जो कनेक्टेड है, जिसका टेक्स्ट का पेपर है, प्लीज उसे ये शेयर जरूर से करिए एंड लाइक जरूर से करिए, क्योंकि एनालिसिस में बहुत मेहनत लगती है भाई। आप भी नहीं सो रहे हो, मैं भी नहीं सो रहा हूं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन, ऑल द बेस्ट।